इसके इंस्ट्रक्शन है कि सभी हॉस्टल्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपना डेरा न जमाए, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का जो चुनाव को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा था वो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सभी बूथ पे फोर्स दिया जाएगा, जहाँ गिनती होनी है वहाँ भी फोर्स रहेगा, और भी बाकी जगहों पे जहाँ ज़रूरत महसूस की गई हर जगह फोर्स का हेविली डिप्लॉयमेंट होगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में चुनाव होना है कल, यानी जिस तरह से जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो खत्म हुआ और कल से ही चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है। और देखिए, जिसको लेकर पटना पुलिस भी अपनी कमर को कसती हुई नजर आ रही है। कल देर रात पटना विश्वविद्यालय के अंदर पटना पुलिस के द्वारा संगीन चेकिंग किया गया। तमाम हॉस्टल जितने भी पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं वहां पर पटना पुलिस पहुंची, तमाम हॉस्टलों में छापेमारी की गई है। हालांकि अब तक कुछ भी नहीं मिला है, मगर पुलिस की नज़रें जो हैं वो पटना विश्वविद्यालय के इस चुनाव पर टिकी हुई है। अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पीट भोर थाना अध्यक्ष इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। इसके इंस्ट्रक्शन था कि सभी हॉस्टल्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपना डेरा न जमाए, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का जो चुनाव को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा था वो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो ऐसे में आगे की कार्रवाई हम लोगों को करनी थी वेरीफिकेशन की, जो की जा रही है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला है मामला जो नेगेटिव हो। कितने हॉस्टलों में एक साथ जांच अभियान को अंजाम दिया गया? आपको पता है कि सारे हॉस्टल्स में एक साथ कार्रवाई चल रही है। पीरबौर थाना क्षेत्र है, बहादुरपुर थाना क्षेत्र है, कदमकुआं थाना क्षेत्र है, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र है, सभी में इंस्ट्रक्शन था। संभवतः वहाँ भी कार्रवाई चल रही होगी साइमल्टेनियसली। यही है, चंद घंटे बचे हैं, चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर पूरी तरह सतर्कता। बिल्कुल, ये जॉइंट एफर्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, और छात्र भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और हर तरह का सहयोग अभी तक तो मिलता आया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न होगा। चुनाव के दिन सुरक्षा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सभी बूथ पे फोर्स दिया जाएगा, जहाँ गिनती होनी है वहाँ भी फोर्स रहेगा, और भी बाकी जगहों पे जहाँ ज़रूरत महसूस की गई हर जगह फोर्स का हेविली डिप्लॉयमेंट होगा। तो आपने सुना, पटना पुलिस भी एक्शन में है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से चुनाव की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हर तरफ उम्मीदवार जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और जिसको लेकर देखिए, कहीं ना कहीं पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो के आदेश के बाद जो है ये निर्णय लिया गया और कल देर रात तक संघन चेकिंग किया गया तमाम हॉस्टलों में कि कोई बाहरी लोग तो हॉस्टल में नहीं है। और इधर उधर करने वालों को भी पटना पुलिस चेताती हुई नजर आ रही है कि अगर कोई बाहरी लोग या किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो पटना पुलिस उसे देखने के लिए तत्पर है। और साथ ही साथ देखिए, पटना पुलिस के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी बूथ बनेगी तो बूथों पर खास तौर पर पुलिस बलों की तैनाती है जो वो कर दी जाएगी। बहरहाल, अब देखना होगा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से पटना विश्वविद्यालय में चुनाव को करवाया जाता या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।